और अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर 1:30 पर जूनी इंदौर मुक्ति धाम पर होगा। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वरिष्ठ नेता व कवि सत्य नारायण सत्तन ने शर्मा की अर्थी को कंधा दिया। अंतिम संस्कार में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके पूर्व रविवार रात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता रात को ही रॉबर्ट नर्सिंग होम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। इधर सोशल मीडिया पर राजनीतिक करियर में उनके साथ हुए भेदभाव को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शर्मा छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे, वे विद्यार्थी परिषद में रहे और अच्छे वक्ता के रूप में कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने 250 से ज्यादा डिबेट कॉम्पिटिशन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विजय दिलाई। वे मंडल अध्यक्ष, नगर मंत्री, प्रदेश संयोजक आदि पदों पर रहे। उन्हें उर्दू व संस्कृत का खासा ज्ञान था। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह व बीडी शर्मा के अध्यक्षीय काल में प्रदेश प्रवक्ता रहे। हाल ही में महापौर प्रत्याशी के रूप में पहले दौर में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था और संघ की इसमें खास सहमति थी, लेकिन बाद में समीकरण बदल गए। इधर उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि के साथ उनके राजनीतिक कैरियर में उनके साथ हुए भेदभाव को लेकर भी तीखे कमेंट किए जा रहे हैं। दरअसल शर्मा पिछले चुनाव में विधानसभा 3 से टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देते हुए विजय वर्गीय के बेटे आकाश पर दांव खेला। महापौर पद की दौड़ में थे तब भी पार्टी संगठन की अंतिम सहमति नहीं बनी, जबकि उनका राजनीतिक जीवन 30 साल से ज्यादा हो चुका था। दुखद पहलू यह है कि रविवार शाम उनके निधन की सूचना तुरंत ही सोशल मीडिया पर चल गई थी। इसके बावजूद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उनके निधन की सूचना तक नहीं दी गई। इसे लेकर बाहर कई नेताओं में नाराजगी दिखाई दी। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री सहित कई नेता अस्पताल पहुंच गए थे और श्रद्धांजलि अर्पित की। वज्रपात हुआ है, अकल्पनीय हम सब लोगों के लिए है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज हम फिर मिलेंगे। कल ही गुजरात से वो लौटे थे, वहाँ पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी और आज बिना कुछ बताए अचानक हम सबको छोड़ के चले गए।